हे गाइस, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो, मेरी टंगड़ी ठंडी हो गई रे। मेरी टंगड़ी ठंडी हो गई रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाओ। हर हर। हर हर। हर हर। केदारनाथ में हमारा प्यारा सा घर और घर की मालकिन। अभी मैं रुद्र देवांशी के गर्म पानी से हाथ मुंह धो रही हूँ और उसके बाद ना मैं इनको तैयार करूंगी और फिर हम लोग केदारनाथ मंदिर जाएंगे भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने। कल रात को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और पहाड़ियों में ना बर्फ भी पड़ी थी। वहाँ देखो काफी सारी बर्फ। हे गाइस, केदारनाथ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है कंगन। कहाँ कंगन नहीं है, चंदन है। इस लकड़ी को चंदन बोलते हैं। और ये भगवान जी है, ये काजू बादाम है। देखो केदारनाथ मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। हे गाइस, ये 300 का है भैया, 100 रुपए कर दो। यहाँ पर जगह जगह पर चाय पीने के लिए होटल भी है और देखो आराम करने के लिए भी है। दोस्तों, अभी हम लोग बच्चों को नाश्ता कराने जा रहे हैं और हम लोग ना भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद नाश्ता करेंगे। हर हर महादेव। नहीं, इतना काफी है। हमारे पास गर्म पानी था तो अभी हम सबको दे रहे हैं, अच्छी बात होती है। और उनको भी दे, एक एक घूट लो गले में, जरा सा राहत आ जाएगी। होटल में बनवा के गर्म पानी। हाँ, पैर छू। नहीं 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 नहीं, हर हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, जो लोग केदारनाथ हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर ना यहीं पर ही उतरता है और उसको देखने ना बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी जगह है, कौन सी जगह आ गया। अच्छा, ऐसा। हे गाइस, अभी केदारनाथ मंदिर के लिए जाने के लिए लाइन लगी हुई है बहुत ज्यादा लंबी। ये देखो खतरनाक लाइन लगी है। और मेरे पापा पता है कहाँ है, और मेरे पापा बोल रहे हैं। पापा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? मैं बता नहीं सकता इतना अच्छा। आज का मौसम सुहाना हो रखा है। बोलो तो जगाश। यह है श्री केदारनाथ जी का प्रसाद। चलो, बस एक ही देवांशी राशि। अरे एक, अरे दो दो नहीं। सो फाइनली हमको केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर हर। हर हर। दोस्तों, अभी हमने केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग चंदन लगा रहे हैं। अभी हम लोग चंदन लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता है, सब अपनी मर्जी से चढ़ाते हैं। तो देखो, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने केदार बाबा जी के दर्शन कर दिए हैं, नंदी बैल के भी दर्शन कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बारिश होने वाली शायद।
दोस्तों केदारनाथ मंदिर में मैंने अपने परिवार के लिए और आपके परिवार के लिए हमेशा खुशियाँ मांगी हैं। आप हमेशा खुश रहो और आपको वो सब मिले जिसके लिए आप मेहनत करते हो। हर हर महादेव। घंटी कौन बजाएगा? हर हर महादेव। दोस्तों मैं आपको भोलेनाथ की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो सुनना चाहते हो? महाभारत में जब पांडव युद्ध में जीत गए थे ना, तो उनको बहुत दुख भी था कि उनसे अपने भाइयों की हत्या हो गई है। पांडवों को बहुत पछतावा था। वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे और चाहते थे कि भोलेनाथ उनको पाप से मुक्त कर दें। लेकिन भोले बाबा उनसे काफी नाराज थे और उनसे दूर केदारनाथ की घाटियों में जा बसे। पांडव अपने विश्वास में अटल थे। वो भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ की घाटियों में पहुंच गए, जहां भोलेनाथ ने उनसे दूर रहने के लिए अपने आप को एक बैल के रूप में धारण कर दिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। पांडवों में भाई भीम ने अपना विशाल अवतार लिया और अपनी दोनों टांगों को केदारनाथ की पहाड़ियों में फैला दिया। वहां के सभी गाय और भैंस भीम के पैरों के नीचे से दूसरी तरफ चले गए, परंतु भोलेनाथ जिस बैल के अवतार में थे उनको भीम के पैरों के नीचे से जाना मंजूर नहीं था। उनको ये अपमानित लगा। पांडवों को यकीन हो गया कि यही हमारे भोलेनाथ हैं और भीम ने कसकर बैल रूपी भोलेनाथ को पकड़ लिया। भोलेनाथ धीरे धीरे अपने आप को धरती में समाने लग गए, परंतु पांडवों ने उनके बैल रूपी अवतार का जो पीठ का हिस्सा था उसको कसकर पकड़ लिया और धरती में धंसने से बचा लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और विश्वास को देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को अपने दर्शन दिए और उनको पाप से मुक्त कर दिया। दोस्तों पांडवों ने बाद में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया और भोलेनाथ की जिस बैल रूपी अवतार की पीठ को पांडवों ने धंसने से बचा लिया था, उसी पीठ की पूजा केदार बाबा के रूप में केदारनाथ मंदिर में होती है। हर हर महादेव। बहुत बड़ा है केदारनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आप मेरे पीछे जो बहुत बड़ी चट्टान देख रहे हो ना, इसको भीमशिला भी कहते हैं। 2013 में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ना, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था और केदार घाटी में ना जितने भी घर थे वो बह गए थे, कई लोगों ने अपनी जान खो दी थी। उस वक्त उस बाढ़ में बहुत बड़ी चट्टान बह करके केदारनाथ मंदिर के पीछे यहाँ पर रुक गई, और जिससे क्या हुआ कि बाढ़ का जो पानी था ना वो दो भागों में बढ़ गया और केदारनाथ मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि जो भीम थे ना वो केदारनाथ मंदिर को इस चट्टान के रूप में बचाने के लिए आए थे, तभी से इसको भीमशिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीमशिला। क्या? भीमशिला। भीम पत्थर। तो भीम। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको ये बताते हुए जो भी मैं बता रहा हूँ। और जब भी हम कहीं पर जाते हैं ना ऐसी जगह पर, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में पहले जानकारी होना जरूरी है, फिर वहाँ पर जा करके ना अच्छा लगता है और एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। चार्जिंग पॉइंट भी है। कैंप कैसा है? अच्छा है, चार्जिंग पॉइंट भी है वहाँ पे और 2-3 कंबल रजाई रखी है भैया ने। बढ़िया। यार तो तेरा सपना पूरा हो रहा है। बैठ जाए। देवांशी शक्ल नहीं दिखाई? आर्मी लगा रहे हैं। आर्मी लगा रहे हो? आठ उधर तीनों, दो ही हैं, तीसरा तो वो दोस्त है सामने रखा हुआ। मुझे कैंप के अंदर रहना बहुत पसंद है। और देवांशी को? आठ उधर तीनों, दो ही हैं, तीसरा तो वो दोस्त है सामने रखा हुआ। दोस्तों आज भी हम लोग केदारनाथ में हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हमने ना अपने लिए नया कैंप ले रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कैंप बहुत पसंद है। मेरा हमेशा से सपना था कि फैमिली के साथ मैं कैंप में रहूं ऐसे जंगलों में, तो इतना अच्छा मतलब लग रहा है कि ये सपना मेरा पूरा हुआ है केदारनाथ में। एक दो बजे हम तो दिन को डाल दो।
सब सो गए ना राशि। लाइट ही नहीं है यार। हाँ लाइट जा रखी है अभी। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रखे हैं और रुद्दू ने ना टेंट के बिस्तर में ही सुसु कर दी। अब पता चला ठंड क्या होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात को ना हमको खतरनाक नींद आ गई थी। बाहर ना बर्फ जैसा ठंडा था लेकिन इस कैंप के अंदर ना गर्माहट हो रखी थी। हमको तीन तीन रजाई मिल रखी थी। तो जो ये कैंप होते हैं ना ये छोटी फैमिली के लिए थोड़े दो तीन लोगों के लिए मस्त होते हैं, बेस्ट होते हैं। और इस कैंप का जो किराया होता है ना वो एक जने का 500 रुपये होता है। तो हमको ये 1500 रुपये में मिला, बढ़िया है। और यहाँ पर हमको फ़ोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए सब कुछ बिजली भी दे रखी है, तो मज़ा आ गया। और अभी हम लोग जरा जाते हैं नीचे, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये वाले कैंप थोड़े से बड़े हैं, यहाँ पर 6-7 लोग आराम से आ जाते हैं। और इनका जो किराया होता है ना वो भी 500 रुपये प्रति पर्सन होता है। हमारा वाला छोटी सी फैमिली के लिए बेस्ट है। मेरे नाखून में चोट लगी थी ना तो ये नीला पड़ गया दोस्तों। ये ठीक कैसे होगा? पूरा नाखून निकलेगा। हाँ दर्द तो नहीं हो रहा है? राशि कह रही है कि पूरा नाखून निकलेगा। मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये भिक्स की टॉफी कौन खा रहा है? मेरा जोकर। कुछ लोगों ने डरा रखा है केदारनाथ को लेकर के, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। कैंप मिल जाता है, खाना पीना गर्म पानी सब कुछ, मैगी भी। दोस्तों हम जिनके कैंप में रुके थे ना तो वो यही भाई थे, अभिषेक भाई और मुकेश भाई। और मुकेश भाई के तो सारे कैंप बुक हो गए थे, है ना। तो अभिषेक भाई लकी बन गए हमारे लिए। कैंप में सारी फैसिलिटी थी, जैसे रजाई हो गई और पानी हो गया, भाई लेकर के आ रहे थे। तो अगर आपको भी कॉन्टेक्ट चाहिए ना दोनों भाई के, तो मैं नंबर दे दूंगा, अभिषेक भाई का भी और मुकेश भाई का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। तो आपको केदारनाथ की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना तो आप कॉल कर लेना। और कैंप आपको बुक कराना हो या यहीं पर आकर के लेना हो, आप दोनों कर सकते हो। कोई भी कमी नहीं है ना। लोगों ने डरा रखा है, बोलो। लोगों ने डरा रखा है कि कुछ नहीं मिलता, बाकी हम सब कुछ देते हैं, खाना पीना सब कुछ। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना रात को, जैसे कि रजाई नहीं है या कुछ भी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बस जस्ट भाई को बोलना है, वो आपके पास आ जाएंगे। तो मैं अभिषेक का भी नंबर और मुकेश भाई का भी नंबर दे दूंगा। और मुकेश भाई की तो देखो मेडिकल की एक शॉप भी है ना, मेडिकल। और मुकेश भाई यहाँ पर सब दवाइयाँ भी देते हैं, जिन लोगों को बुखार होता है या पेट दर्द होता है, कोई भी होता है। तो हम लोग तो लेके आए थे दवाई, लेकिन अगर जो नहीं लाते हैं ना तो उनको भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके गाल में दर्द होता है ना, हाँ काफी भी ले सकते। और जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा था ना तो मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, मुकेश भाई ने मुझे ऐसी दवाई दी कि अगले ही पल बारिश। मैं चाहता हूँ कि आप इनको कॉल करके पूछो केदारनाथ के बारे में, और अगले साल या इस साल किसी भी साल जो कुछ भी चाहिए रूम टेंट हम सब कुछ दिला देंगे, सब कुछ, है ना। और देखो चश्मा ही पहना है अभिषेक भाई ने, स्पेशली दाढ़ी बनाई थी अभी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। केदारनाथ के कपाट खुले हैं, तब तक दोनों भाई यहाँ पर हो, उसके बाद आप अपने नीचे चले जाएंगे गाँ। अपने गांव, है ना, टूर्नामेंट खेलने। बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेलने के लिए यहाँ पे जहाँ भी आप। अच्छा लित्तू जी दाल चावल, तू और पापा दाल चावल खाते। देखो भैया सब्जी भी दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस है भैया। और होगी सब्जी भी दे रहे हैं हमने। अरे अरे यार समझ में नहीं आता क्या बाहर हूँ, उसके बाद नहीं समझ में आता कॉल ऊपर कॉल कर रहा हूँ। कहीं मुझे जुखाम तो नहीं हो रहा? Hey guys, I hope आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। कैसे लगा हमारा वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। खाना खा लो रे प्लीज़।